महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कापसी कोपरी गांव से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यवतमाल जिले के कापसी कोपरी गांव में 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर की ड्रॉप पिला दी गई है। सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। मामला तब सामने आया जब ड्रॉप लेने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। उल्टी और बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर की टीम इन बच्चों की निगरानी कर रही है। इस बड़ी लापरवाही के मामले में भानपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर, आंगनवाड़ी सेविका और एक आशा कार्यकर्ता के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिला परिषद के सीईओ श्री कृष्ण पंचाल के अनुसार बच्चों की हालत अभी स्थिर है। प्राथमिक स्वरूप मध्य माहितीनुसार 12 बालके हैं जन्ना पोलियो ऐवजी सैनिटाइजर से 2 ड्रॉप पाजले गए होते। नंतर एकपैकी एक बालकाला मळमळ आणि उलटी हा त्रास झाला आणि त्यानंतर त्यांना परत पोलिओचे डोस पाजण्यात आले। रात्री त्यांना GMC येथे दाखल करण्यात आले। सर्वांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे आणि त्यापैकी जो एक बालक जो ज्याला मळमळ आणि उलटी झाली होती त्याची देखील तब्येत सध्या स्थिर। प्राथमिक स्वरूपामध्ये जी माहिती मिळाली आहे त्या ठिकाणी 3 जे आरोग्य कर्मचारी उपस्थित होते, एक CHO डॉक्टर्स जे असतात CHO, त्यानंतर एक अंगणवाडी सेविका आणि एक आशा, तर तिघांची चौकशी सध्या चालू आहे। सध्यासाठी तिघांना निलंबित करण्याचे प्राथमिक स्वरूपाचे आदेश आज पारित करण्यात येते आणि चौकशी झाल्यावरती मग याच्यात दोषी एक्झॅक्ट समजते।